हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ निहाल। सो जैसे कि आपको पता है, हर रोज दोपहर को 2 बजे अपना करंट अफेयर सेशन रहता है। तो आज अपना 21st लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज का, जिसमें हम आईसीटी एंड एनवायरमेंट ये टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। Before starting the session, very important announcement for you. Global Online University is providing mock test series for your paper 1 preparation. जिसमें कि आपको 60 mock test provide किए जाएंगे, उसमें previous year question test भी रहने वाले हैं। 2011 से लेके 2020 तक इसमें previous year question test रहेंगे, वो भी detailed explanation के साथ। मतलब हर एक test जब आप submit करोगे, उसका detailed explanation, detailed solution आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस मॉक टेस्ट के अलावा आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स है। बहुत ही कम टाइम में, 2 या 3 दिन में आप पूरे नोट्स पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? उसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, तब आप ये वीडियोस देख के अपना रिविजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 999 रुपीज में। So, जल्दी से जाइए, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करिए। प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है? राइट साइड में आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, दैट इज यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर, और उसके बाद आप 2 फ्री टेस्ट, उसके साथ 2 वीडियोस फ्री और 2 फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ आहार क्रांति मिशन, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया है आहार क्रांति मिशन का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड डाइट सेफ इंडिया, या फिर गुड डाइट गुड कॉग्निशन, या फिर डाइट फॉर सेफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी हेल्दी चाइल्ड एंड हेल्दी इंडिया, ठीक है? तो आहार क्रांति मिशन का ऑब्जेक्टिव, इसका जो मिशन जो है, उद्देश्य जो है वो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन, है ना? मतलब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हर एक सिटीजन को न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए, मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना? अगर डाइट गुड रहता है तो उसका इम्पैक्ट कॉग्निशन पे जाता है, अपनी मेंटल हेल्थ पे जाता है, है ना? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रोवाइड बेस्ट न्यूट्रिशन टू द एवरी सिटीजन एट द लीस्ट कॉस्ट थ्रू द कॉमनली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके? सो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसका उद्देश्य जो है, ये है कि हर एक सिटीजन को न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, जो कि कॉमनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है एट द लो कॉस्ट, ठीक है? इसका और एक ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द न्यूट्रिशन एलिमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स, ठीक है? मतलब किस तरह से ये जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिशन जो होता है फूड में, वो हमारे कॉग्निशन को या फिर मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये सारी जानकारी हर एक सिटीजन को होनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए न्यूट्रिशन की अवेयरनेस के लिए हम बोल सकते हैं कि ये मिशन जो है, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। DIPP has signed an agreement to establish India's first technology and innovation support center in which state? ठीक है, DIPP ने एक agreement sign किया था India में establish करने के लिए एक technology and innovation support center, ठीक है? तो वो कौन से state में launch किया गया था, या फिर कौन से state में वो agreement जो है वो sign किया गया था? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, या फिर यूपी? तो इसका right answer है दिल्ली। So, Department of Industrial Policy and Promotion is responsible for formulation and implementation of promotional and developmental measures for growth of the industrial sector, keeping in view national priorities and socio-economic objectives. ठीक है, तो ये जो DIPP है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ये तो पहले पता चल गया कि Department of Industrial Policy and Promotion, ठीक है? ये क्या करती है, ये implement करती है promotional and development measures, जो जिसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होता है, है ना? कीपिंग इन व्यू द नेशनल प्रायोरिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके? ये जो DIPP है, उसे 27 जनवरी 2019 को उसका नाम चेंज करके
अलग नाम रखा गया था वो था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब DIPP के बदले में DPIIT उसे नाम रखा गया था, है ना। तो DIPP हो या फिर DPIIT हो, ये दोनों भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज एंटर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है, अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर सैमसंग। सो फेसबुक इज द करेक्ट आंसर, फेसबुक कंपनी ने इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया जायंट फेसबुक जो है इसने साइन किया है डील जो कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को वो बाय करने वाला है, ठीक है। ये फेसबुक का सबसे बड़ा डील है, अब तक का फर्स्ट डील है। फेसबुक एंड क्लीन मैक्स ये दोनों मिलके सप्लाई करने वाले रिन्यूएबल पावर इनटू इंडियाज इलेक्ट्रिकल ग्रिड, है ना। तो ये जो पावर रहेगा ये 32 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट रहेगा जो कि कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, येलो जर्नलिज्म करके एक टर्म होता है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, तो ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, मतलब आतंकवाद या फिर हिंसा के बारे में एक खबर जो होती है वो होता है येलो जर्नलिज्म, या फिर सेंसेशनलिज्म एंड एक्सागरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूवर्स, मतलब जो रीडर्स या फिर व्यूवर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्सागरेशन या फिर सेंसेशनल, अतिशयोक्ति या फिर सनसनी जो न्यूज होती है उसका मतलब होता है येलो जर्नलिज्म, या फिर सेंसेशनल न्यूज अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर्स, है ना, या फिर कुछ आर्ट्स एंड कल्चर से वाले पे जो न्यूज होती है उसका मतलब येलो जर्नलिज्म होता है, या फिर सेंसेशनल न्यूज प्रिंट इन येलो पेपर, या फिर पीले पेपर में कुछ न्यूज दी जाती है उसका मतलब येलो जर्नलिज्म होता है। तो येलो जर्नलिज्म ये क्या होता है, ये होता है सेंसेशनल एंड एक्सागरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, ओके। येलो जर्नलिज्म या फिर येलो प्रेस, ये जो टर्म है ये एक अमेरिकन टर्म है फॉर जर्नलिज्म एंड रिलेटेड न्यूज़पेपर्स दैट प्रेजेंट लिटिल और नो लिजिटिमेट वेल रिसर्च न्यूज यूजिंग आई कैचिंग हेडलाइंस टू इंक्रीज सेल्स, मतलब इन शॉर्ट ये जो येलो जर्नलिज्म है या फिर येलो प्रेस है ये प्रमोटिंग टर्म है, एक प्रमोट करने के लिए है, मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, है ना। इसे किस तरह से यूज किया जाता है, कुछ आई कैची हेडलाइंस लिखे जाते हैं पेपर्स में, या कुछ स्कैम की तरह स्कैम न्यूज जो होते हैं, सेंसेशनल न्यूज जो होते हैं उसे उसकी हेडिंग दी जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा रीडर्स या फिर व्यूअर्स जो है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, और अट्रैक्ट होने की वजह से सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए ये येलो जर्नलिज्म जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है, येलो प्रेस या फिर येलो जर्नलिज्म इसे दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है, कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं, एक्सागरेशन, स्कैमिंग, सेंसेशनल न्यूज इवेंट्स इसका यूज किया जाता है ये टेक्निक में, और उसे कब लाया गया था, mid-1890s में लाया गया था। जो दो न्यूज़पेपर थे न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल जर्नल, ये दो न्यूज़पेपर के बीच में जो जो भी वॉर चल रहा था उसके बीच में ये येलो जर्नलिज्म जो टर्म है ये लाया गया था, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड नॉलेज मिशन टू प्रमोट इम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। इम्प्लॉयमेंट और स्किल्स को प्रमोट करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने नॉलेज मिशन करके एक ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, वो किस स्टेट ने या फिर किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, केरला स्टेट, ठीक है। केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था नॉलेज मिशन नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट इम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ओके। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नॉलेज, केरला नॉलेज मिशन, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। इसका जो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजीज काउंसिल, के डिस्क, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट करने का ये इनिशिएटिव लिया था। जॉब एस्पिरेंट्स एंड एजुकेटेड इम्प्लॉयड यूथ वुड बी फैसिलिटेटेड टू अपस्किल एंड इनहेंस नॉलेज अपार्ट फ्रॉम गेनिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। द डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, IITMK।
सो बेसिकली ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एज केरला नॉलेज मिशन। इसे इम्प्लीमेंट किया था केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल ने, जिसे केडिस कहा जाता है ना। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप या फिर कोलैबोरेट किया था केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम इन मानस ऐप। मानस ऐप जो है उसमें एम का मीनिंग क्या है? मॉनिटरी, मैकेनिकल, मेंटल या फिर मास। तो मेंटल इज स्टैंड्स फॉर द एम इन मानस ऐप। तो ये मानस है क्या? सो ये जो ऐप है इसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने लॉन्च किया था मानस ऐप को। मानस का मतलब होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केलेबल एंड नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटल वेलबींग अक्रॉस एज ग्रुप जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो मानस ऐप जो है वो एक मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप इन। इंडिया का सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है वो कौन से स्टेट में बनने जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर केरला। तो इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर जो है वो बनने जा रहा है केरला स्टेट में। ठीक है, ये जो IWTC है, इंडिया का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, वो कोझीकोड सिटी में सेटअप हो गया है। ठीक है, कोझीकोड सिटी, ये याद रखना। इसका कंजुनस किसके साथ है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसका कंजुनस है। कंजुनस मतलब एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, IWTC का एम क्या है? टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर पैरिटी बाय प्रोवाइडिंग वुमेन सेफ प्लेस अवे फ्रॉम होम टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वुमेन सेफ्टी। ठीक है, तो IWTC जो है वो प्रोवाइड करता है वुमेन्स के लिए एक सेफ प्लेसेस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेसेस। और इतना ही नहीं, अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो IWTC ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो बिजनेस एक्सपांड हो ग्लोबली, उसके प्रोडक्ट जो है वो मार्क्ड हो। ठीक है, इसका फेज वन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था जेंडर पार्क्स विजन 2020 के नाम से, और फेज वन जो है वो 2021 मतलब इसी साल जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है? कोझीकोड सिटी में सेटअप होने जा रहा है। इसका एग्रीमेंट, इसका टाइप किसके साथ है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के साथ इसका कॉन्जोनेंस है। और इसका एम क्या है वो याद रखना है। इसका फेज वन 2021 में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक एम है या फिर थीम है ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? WTO, ILO, IMF या फिर WCO। ओके, सो ILO इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम जो है वो है ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। एवरी ईयर 28 अप्रैल को ये डे जो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। और इसे स्टार्ट किया था सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 2003 में। ओके, ये जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये जो डे है ये मनाया जाता है फॉर द इम्पोर्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस एट वर्क प्लेस। काम करने की जगह पे है ना जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर डिजीजेस होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था 2003 में स्टार्ट किया था, और 28 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस ईयर ILO एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एंड इन्वेस्टिंग इन रिसाइलियंट OSH सिस्टम एंड कर्बिंग COVID-19 इन वर्क प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है ना। उसमें क्या होता है कि स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स लिए जाते हैं जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, है ना। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? NCERT, UGC, NAC या फिर न्यूपा, NUEPA। सो द राइट आंसर इज न्यूपा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका लॉन्ग फॉर्म है न्यूपा का, अर्लियर नोन एज NIEPA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
एसोसिएटेड विद द यूनेस्को के साथ इसका एसोसिएशन है, रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था, है ना। न्यूपा जो है ये एक एटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लान करता है, मैनेज करता है कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करता है? न्यूपा। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथन होता है स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स, एबिलिटीज, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज नीड्स टू सर्वाइव, अडैप्ट एंड थ्राइव इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? तो कौन करता है इसे, ऑर्गेनाइज कौन करता है? न्यूपा। डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट या फिर इसकी पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी, हाँ, या फिर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन विच पोर्टल ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी जो मिनिस्ट्री है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें क्या किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसा कौन सा पोर्टल था, उस पोर्टल का नाम क्या था? प्रगति, प्राप्ति, पर्यावरण या फिर चैंपियंस? तो वो था चैंपियंस। सो चैंपियंस पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से इसे लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में एमएसएमई जो है इन्हें फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, परमिशन, ये सारे चीजों में हेल्प करना। उसके बाद कैप्चरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर और आइडेंटिफाई द स्पार्क्स फॉर, इन एग्जांपल क्या होता है कि ब्राइट एमएसएमईज हु कैन विदस्टैंड एट प्रेजेंट एंड बिकम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस। मतलब नेशनली या फिर इंटरनेशनली कुछ कॉम्पिटिटिव बने एमएसएमईज अपने इंडिया के, इसमें हेल्प करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें हेल्प करती है एमएसएमईज को। कौन सा पोर्टल है? चैंपियंस। ये चैंपियंस पोर्टल पे एमएसएमई जो भी अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस है उन्हें रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ये सारे बेनिफिट जो है उन्हें मिलने वाले। ठीक है, बिफोर एंडिंग द सेशन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन वेदर इट इज नेट और सेट, ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड क्रैक द एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। Global Online University providing you very relevant mock test, notes and as well as video lectures. Okay, in just ₹999. If you want to join these courses, download Global Online University application or you can contact the on these numbers which is given below. Okay, hurry up and join the course and crack your examination in very first attempt.